जय हिंद। आज के बायोलॉजी के फाउंडेशन बैच का हमारा छठा लेक्चर होने जा रहा है। मैंने इससे पहले आपको कुछ और लेक्चर जो कि मैंने यूट्यूब पे इतना ही डिटेल बता दिया हूँ कि आप लोगों ने उतना डिटेल्स ना ही तो कोई यूट्यूब चैनल पे किए होंगे ना ही तो कोई ऑफलाइन सेंटर में किए होंगे। ये मेरा वादा है कि आप लोग जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं ये इतना ही डिटेल्स होने वाला है कि आपको हर एक एग्जाम का कंपटीशन के हर एक एग्जाम का ए टू जेड आपको बताया जाएगा। और आपको यहाँ से ये जो मेरा टारगेट है, ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको इसके अलावे आपको कहीं से कहीं और से भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। बस यहीं से बायोलॉजी का हर एक टॉपिक आपको आने वाली है। ये हमारा बायोलॉजी का छठा लेक्चर होने जा रहा है और हमने सेल को स्टार्ट किया है। इससे पहले भी सेल का कुछ क्लास हो चुका था। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि सेल का जो खोज किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया था वो नॉन लिविंग सेल का खोज किया था। मैंने बताया था ये कैसे किया था खोज, उसके किस बुक में सेल के खोज के बारे में जिक्र किया गया है, और मैंने बताया था नॉन लिविंग सेल का खोज और लिविंग सेल का खोज किन्होंने किया था और उन्होंने किस बुक में लिखा था, इनके बारे में आपको बता दिया हूँ एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका। इसलिए अगर आपने पहले का क्लास अगर हमारा नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको हमारा पहले का क्लास करना होगा, जिससे कि आपको हर एक डाउट इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उससे आगे का टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ तो नहीं घिस देंगे ना। तो हमारा ये जो क्लास होने वाला है इतना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इतना ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। आपको हर एक डाउट, जैसा कि मेरा एक इंट्रो वीडियो आया था बायोलॉजी के फाउंडेशन बैच पे, मैंने उस बैच में बताया था, उस इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि आपको मैं याद कराने वाला हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट को, सारा का सारा डाउट को आपको मैं याद कराने वाला हूँ। तो आपको मैं याद कराऊंगा, सेल हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा सेल से दूसरा लेक्चर होगा और टोटल में अगर बात करें ये हमारा छठा लेक्चर होने जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेल के बारे में मैंने कुछ बातें बता दिया था, इसका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था, यानी कहने का मतलब ये है कि कोशिका के बारे में किन्होंने कितना बताया था, स्लाइडन एवं स्वान ने जो भी नियम बताया था सेल के बारे में, जो भी सिद्धांत दिया था मैंने उसको बता दिया था। तो आज का क्लास उससे आगे होने जा रहा है। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई पूरे पृथ्वी का बात कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी में अगर बात किया जाए सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी में कौन से ऐसे जीव की होती है, तो आप बोलिएगा माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक तरह का इतना ही छोटा यानी प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे नंगे आंखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का होना जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो है एक तरह का प्रोकैरियोटिक जीव है, और प्रोकैरियोटिक यानी सबसे छोटी कोशिका जो होती है पूरे पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी पर अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की तो वो होती है माइकोप्लाज्मा की, और हम बात करें उसका वजन यानी वेट का तो वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर इसका वेट होता है, ठीक है, मीटर नहीं बोल रहे हैं, माइक्रोमीटर वेट होता है इसका, किसका, तो माइकोप्लाज्मा का, सबसे छोटी कोशिका इसी के अंदर होती है। बात को समझ आ गया क्या? अब देखिए बड़ी कोशिका हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ पर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच का मैं आपको एक खास बातें बताता हूँ, ये क्या होती है, ये बहुत ही लंबी होती है और इसका अंडा भी जो बहुत बड़ा होता है इसका अंडा, और उसके अंडे का जो कोशिका होती है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। और अगर हम बात करें शुतुरमुर्ग की तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसको कि अगर मान लीजिए कोई शिकारी, कोई हंटर उसको शिकार करने आ रहा है, कोई शिकारी उसको उसका शिकार करने आ रहा है शुतुरमुर्ग का, तो शुतुरमुर्ग जो है, पहले बता देते हैं शुतुरमुर्ग जो है डेजर्ट वाले इलाके में होता है। डेजर्ट वाला इलाका मतलब क्या, मरुस्थल,
जहाँ पे बालू उलू है, ठीक है, मरुस्थल इलाके में होता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई इसका शिकार करने आता है तो शुतुरमुर्ग क्या कहता है, ये अपना मुर्गी को अपना बालू के अंदर घुसा देती है, सैंड के अंदर घुसा देती है, जिससे इसको लगता है कि हम तो उसको नहीं देख रहे हैं, तो वो भी हमको नहीं देख रहा होगा। ये कौन सोचता है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये अपने मुर्गी को बालू के अंदर घुसा देता है, ठीक है, और इसको पता चलता है हमको तो कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन पता चलता है उधर से आया, टेंगड़ी पकड़ के लेके चल दिया, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा का सबसे बड़ा कोशिका होती है, ठीक है, और इसका अंडा भी काफी बड़े होते हैं सभी पक्षियों की तुलना में, ठीक है। ये था हमारा दुनिया भर का। अब चलते हमारे शरीर का, हमारे शरीर में यानी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका अगर बात करें वो होती स्पर्म की, ठीक है, हमारे स्पर्म की। स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को। अब ये क्या होते हैं आपको मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, शुक्राणु क्या होते हैं, इससे इसको जो है ना मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में, प्रजनन चैप्टर में आप लोग इसके बारे में जानते भी, स्पर्म के बारे में। तो छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म की यानी शुक्राणु की होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम यानी अंडाणु की, ठीक है। ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है, बात को समझ में आ गया। ये मेल में स्पर्म किससे रिलीज होगा, स्पर्म जो है रिलीज होगा मेल से होगा, ठीक है। ओवम किससे रिलीज होगा, वो होगा फीमेल से, ठीक है। अब देखिए ये था बड़ी कोशिका, ये बड़ी कोशिका यहाँ पे लंबी है, ठीक है, बड़ी और लंबी, बड़ी का मतलब कि बड़ा, ठीक है, लंबा का मतलब कि लंबा, ठीक है, बड़ा और लंबा में आपको अंतर समझना चाहिए, ठीक है। तो बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम की होती है, लेकिन अगर बात करें लंबी कोशिका, सबसे अगर लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन की, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन की होती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारे दिमाग में होती है। अब दिमाग तो सबके पास होता है, थोड़ा ना बहुत सबके पास होता है दिमाग, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि दिमाग किसी के पास नहीं होता है, दिमाग जो है हर एक इंसान के पास होता है। अब कहा जाता है कि लड़कियों को थोड़ा कम दिमाग होता है, अब वो बात अलग है कि लड़की दिमाग लगाना नहीं चाहती है, वो दिमाग अपना कहीं और लगाना चाहती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे किसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग सबके अंदर होते हैं थोड़ा ना बहुत, ठीक है। अब लंबी कोशिका जो होती है दिमाग की होती है यानी न्यूरॉन की होती है, बात को समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ तक अगर समझ आ गया तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल चलते हैं, यानी कोशिका के प्रकार को समझते हैं, ये कोशिका का प्रकार कितना है। तो ये जो कोशिका का प्रकार है हम गुणों के आधार पर बात कर रहे हैं, यानी उसके गुण के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांट दिया गया है। गुणों के आधार पर कोशिका के मतलब किसी भी जीवों के गुणों के आधार पर कोशिका को दो वर्गों में बांट दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रो। आप लोग पबजी या फिर फ्री फायर खेले होंगे, आप तुरंत दिमाग में वहीं पर चल गए होंगे ना, खुशी के मारे लूटपुट हो रहे होंगे, पबजी आ गया, अब हमारे ही टॉपिक, अब हमारा सब्जेक्ट आ रहा है पबजी फ्री फायर, ठीक है। तो भाई पबजी और फ्री फायर अगर आप खेले होंगे तो उसमें एक प्लेयर होता है प्रो प्लेयर, और प्रो प्लेयर अगर गोली चलाता है तो साला कहां से गोली चला रहा है पता ही नहीं चलता है कि कहां से गोली चला रहा है, ठीक है, और आदमी को मार देता है, बात को समझे। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है एक ऐसे जीव होते हैं जो कि दिखाई नहीं देता है, जिस तरह की प्रो प्लेयर गोली मारता है कहां से मारता है पता ही नहीं चलता, दिखाई नहीं देता है, उसी तरह उसी से याद कीजिए प्रोकैरियोटिक जो होता है वो ऐसे जीव आते हैं प्रोकैरियोटिक में जो कि दिखाई नहीं देते हमारे नंगी आंखों से, और उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, एक विशेष किस्म का माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, किसको देखने के लिए, प्रोकैरियोटिक जीव को देखने के लिए, बात को समझे। एक होता है यूकैरियोटिक, यू का मतलब आप में से कोई, आप में से, ठीक है, यू मतलब कि जो दिखाई देता हो, यू मतलब आप में से कोई, और आप क्या दिखाई नहीं देते हैं, आप क्या हीरो गाय मोड है, हैं, तो आप में से कोई यूकैरियोटिक, बात को समझे। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं वैसे जीव होते हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं, जैसे हम लोग जो होते हैं
वो किस में आते हैं, यूकैरियोटिक, हम लोग दिखाई देते हैं, जो कि हमारी नंगी आंखों से दिख जाता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। बात को समझे, ये हम बात करें गुणों के आधार पे। गुणों के आधार पर सेल को दो भागों में बांट दिया गया है, पहला तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। देखिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें 70S राइबोसोम होते हैं। 70S, देखिए राइबोसोम दो तरह के होता है, एक 70S और एक होता है 80S, ठीक है, जो कि छोटे किस्म के, जो कि छोटे जीव जंतु होते हैं। आप ही बताइए, आपके घर में जो छोटा होगा उसको 1 टका दे दिया जाता होगा, जो बड़का होगा उसको 2 टका दे दिया जाता होगा, नेमनचूस खाने के लिए, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार छोटका में छोटका राइबोसोम, ठीक है, दो ये प्रकार का राइबोसोम होता है, एक 70S का और एक 80S का, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, ठीक है। 70S का राइबोसोम होता है, एक होता है 80S का राइबोसोम। तो 70S का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक छोटका जीव जंतु में होता है, और वही बात करें अगर हम 80S राइबोसोम, वो होता है बड़के जीव, मतलब बड़े सब जीव जंतु में 80S राइबोसोम होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो भाई दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 70S जो होते हैं वो छोटके जीव जंतु में आते हैं और यानी प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और 80S जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आपको मानना होगा 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि आप प्रोकैरियोटिक में छोटे जीव जंतु आते हैं, तो जिस प्रकार बैक्टीरिया हो गया, नील हरित हो गया, वायरस सब हो गया, शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, इतना छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, और ये प्रोकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल्स हुआ। और यूकैरियोटिक जीव का एग्जाम्पल हुआ मनुष्य हो गया, या फिर अन्य सभी जीव जंतु हो गया, या फिर पेड़ पौधा हो गया, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक, नहीं ये सब दिखता है, ठीक है, तो ये सब दिखता है, इसलिए इसमें ये किस में आ गया, यूकैरियोटिक में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को बनाता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, इसी वजह से वो एकदम सुस्त होता है, उतना तेज नहीं जा पाता है, बहुत ही कम एनर्जी बन पाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी बनाता है वो तो है ही नहीं, इसलिए ये एनर्जी बहुत कम बना पाता है, इसलिए इसका रफ्तार जो होता है बहुत ही कम होता है। आपको यहाँ तक समझा दिए, गोल्जी बॉडी इसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में गोल्जी बॉडी का काम होता है किसी भी चीज़ों को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पहुंचाना, यानी इसका परिवहन करने का काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर ऑक्सीजन है, या फिर कोई भी पोषक तत्व है, यानी न्यूट्रिएंट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स को गोल्जी बॉडी क्या करेगा, शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचा देगा। जैसे मान लीजिए एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए एनर्जी बनाया, और एनर्जी बनाया तो एनर्जी को ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी जरूरी है, जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बन रहा है, और एनर्जी को अभी हम लोग खपत कर, हम जो खपत कर रहे हैं मुँह से खपत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुँह अभी मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मुँह से खपत करें, तो हमारा जो एनर्जी हुआ माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर मुँह तक कौन लेकर आया, तो गोल्जी बॉडी। तो भाई गोल्जी बॉडी भी इसे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है। लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम को हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई भी कोशिकांग बोलते हैं कोशिका के अंगों को, कोशिका का कोई भी अंग अगर बढ़िया तरह से काम नहीं करता है तो लाइसोसोम कहता है कि तुमको हम क्या कर देंगे, मार देंगे, नहीं तो काम कर लो, हम खुदे मर जाएंगे, हम खुदे फट जाएंगे, जिसके वजह सभी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, मार देंगे, जितने भी कोशिका होंगे कोशिका को ही मार देंगे, अगर हम फटे तो पूरा सबको ले दे करके चले जाएंगे। बात को समझे, तो भाई लाइसोसोम इसमें नहीं होता है,
प्रोकैरियोटिक जीव में हमें, ठीक है, यानी ये इतना डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। और एक होता है हम लोग यूकैरियोटिक में जो हम लोग आते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी एनर्जी बनता है जितना चाहिए, और एनर्जी को ले जाने के लिए गॉल्जी बॉडी होता है, और अगर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसको लाइसोसोम उसको ठीक करने का काम करता है, तो लाइसोसोम भी हमारे शरीर में होता है। अगर देखिए अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीवों का, उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में ये गोलाकार होता है, गोलाकार मतलब गोल होता है, ठीक है, गोल होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में, ठीक है। और अगर हम वही बात करें हम लोगों में यूकैरियोटिक जीवों में, तो इसमें डीएनए जो होता है वो सीढ़ीनुमा होता है। सीढ़ीनुमा कैसा होगा तो आपको हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस प्रकार से होता है हमारा डीएनए, ठीक है, इस प्रकार से हमारा डीएनए होता है, बात को समझे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है डीएनए होता है हम लोगों का, ये देखिए सीढ़ीनुमा है ना, तो ये सीढ़ीनुमा हमारा डीएनए होता है, लेकिन इन लोगों का डीएनए जो होता है ये गोलाकार डीएनए होता है। लेकिन इसमें अगर बात करें प्रोकैरियोटिक में, इसमें केंद्रिका नहीं होता है, केंद्रिका मतलब केंद्रक, देखिए केंद्रक जो नहीं हुआ तो केंद्रक का मतलब क्या, हमारे जिस तरह हमारे शरीर में जिस तरह ब्रेन काम करता है, दिमाग काम करता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अभी जो हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं वो हमारा दिमाग कह रहा है कि आप तुम यही बताओ जिससे कि बच्चों को समझ में आ सकता है, ठीक है। तो हम जो भी काम करते हैं हमारा दिमाग कहता है कि तुम ये करो, ठीक है, तुम ये करो, तुम वो करो, ये जितना भी प्रोसेस होता है हमारे शरीर में वो कौन करता है, दिमाग करता है, यानी दिमाग करता है हमारे शरीर में। उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी एक दिमाग होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, यानी तो केंद्रक इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो दिमाग होता है, ठीक है, कि तुम ई काम करो, तुम वो काम करो, तुम ई काम करो, यानी ये बेतने का काम करता है, काम को बांट देता है, ए तुम वो काम करेगा, तुम ई काम करेगा, तुम ई काम करेगा। तो भाई ये जो केंद्रिका क्या करता है प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी अंगों को ये नहीं बताया पता है कि तुम ये काम करना है, तुमको वो काम करना है। लेकिन हम लोगों में केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक होता है, इसके वजह से भी हम लोग हमारा जो शरीर का जितने हमारे कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इन सभी को ये सब कंट्रोल करके रखता है कौन, केंद्रक, ठीक है। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया, आज हमारा फोन ज़्यादा चार्ज नहीं है, इसके वजह से आज का क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक समझेंगे।